हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आमिर लाखियर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा आज जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वर्ड फ्लक्स इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मीन्स फ्लो। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीनिंग है फ्लो। अब जनरल एग्जांपल देखें, हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूज़ करते हैं। देखें, फॉर सपोज एक खिड़की है, खिड़की से जो एयर आ रही है, विंड आ रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, मींस वो कितनी स्पीड से एयर इस खिड़की से या इस विंडो से आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इज डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी, एंड उस जो खिड़की है या विंडो है उसकी एरिया कितनी है, उस एरिया पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करती है। जैसे सिंपली ये विंडो है, विंडो से एयर फ्लो हो रही है, इट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या हम जनरल एग्जांपल देखें, इन अदर एग्जांपल देखें, जो हमारा पाइप है जिससे हमारा पानी फ्लो होता है, अब वो जो पानी फ्लो तो हो रहा है उस पाइप, जो फेज है पाइप का, तो उसकी जो पाइप पानी का जो स्पीड है, पानी की वाटर जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है, मीन्स उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और उस पाइप का जो फेज है जिसको हम कहते हैं एरिया कितनी है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दो क्वांटिटीज़ पर डिपेंडेंट है, नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नंबर सेकंड इज़ अ वेक्टर एरिया। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द इलेक्ट्रिक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स या पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाय। जो ये सिंबल है इसको हम फाय कहते हैं, ये फ्लक्स की रिप्रेजेंटेशन है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की रिप्रेजेंट, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, ई। ई इज़ इलेक्ट्रिक, ये फाई इज अ फ्लक्स है। जो फ्लक्स है वो कौन सा हमारा ग्रीक वर्ड है। तो इसका जनरल फार्मूला, जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एरिया। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है, एंड जो वेक्टर एरिया हम यहाँ सपोज किया है वो भी अब वेक्टर क्वांटिटीज है। जब यहाँ पे दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट करते हैं, तो हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलती है वो कौन सी मिलती है, स्केलर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। ये इसका फार्मूला है। अब मैथमेटिकली डेफिनेशन देते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि ये फॉर सपोज ये बुक है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एरिया कितनी है, यहाँ से जो फ्लक्स पास होगी उस एरिया कितनी है। जैसे यहाँ पे देखें, ये ज़्यादा इसकी एरिया है,
तो यहाँ पे फ्लक्स भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ऐसे पास होगी, नंबर ऑफ़ लाइंस भी यहाँ से जो लिंक होगी वो ज़्यादा होगी। फॉर सपोज मैं कह रहा हूँ, मैं खिड़की के सामने रख लिया, अब इसको जो एयर फिल हो रही है, एयर इसको जो लिंक हो रही है, फॉर सपोज 15 हो रही है। जब दूसरी रूम में रखा मैंने विंड के विंडो में, तो वहाँ पर फॉर सपोज 70 लाइन्स जो है ना यहाँ पर लिंक हुई। तो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? जो यहाँ से जो एयर फिल हो रही है उसकी एरिया, जितनी एरिया ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा पास होगी, या हमारी इलेक्ट्रिक फीड लाइंस जो है वो भी फिर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पास होगी। जहाँ पे देखें ये एक एरिया सपोज किया है, अब एरिया का जो डायरेक्शन है इस तरफ है, चेंज इन एरिया। अब यहाँ से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है, मींस चेंज इन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे ज़ीरो बन रही है। तो हम यहाँ पे पुट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल ई चेंज इन एरिया कॉस ऑफ थीटा। हम यहाँ पे कॉस एंगल यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमने क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट में, जब हम किसी भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें उसमें जो एंगल यूज़ करते हैं कॉस ऑफ थीटा यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कौन सी एंगल यूज़ किए है? कॉस ऑफ थीटा बेटा। तो यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे एंगल, यहाँ पे ज़ीरो एंगल है, क्यों? के जो एरिया है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इसमें जो एंगल होगी वो क्या होगी? सेम। तो ई चेंज इन एरिया कॉस ऑफ ज़ीरो, कॉस ज़ीरो किसके बराबर है? वन के बराबर है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ई चेंज इन एरिया ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब मैक्सिमम मिलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर जो है उसमें एंगल ज़ीरो होगी, वो पैरेलल होगी, तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा मिलेगा। अब हम दूसरी कंडीशन पे आ रहे हैं, ये इसका केस नंबर वन है। अब केस टू जो है, केस टू है द वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द फ्लक्स इज अ ज़ीरो, मीन्स मिनिमम। ये देखें, ये अब यहाँ पे ये क्या है? एरिया का डायरेक्शन है। अब यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, ये देखें, यहाँ पे ये देखो, ये इसका डायरेक्शन मीन्स ये एंगल है वो कितनी बन रही है? 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है, एंड ये जो डायरेक्शन है वेक्टर एरिया का डायरेक्शन, इस दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ये ऐसे जैसे कि ये है हमारा, ये फॉर सपोज वेक्टर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। इसके दरमियान जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है? 90 बन रही है। जब कॉस 90 बराबर है ज़ीरो के, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल ई चेंज इन एरिया कॉस ऑफ 90। केस टू है, तो यहाँ पे पुट करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई चेंज इन एरिया मल्टीप्लाई ज़ीरो। मल्टीप्लाई ज़ीरो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉस 90 जो है ज़ीरो के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल ज़ीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो मिल रही है, इट मीन्स दैट द फ्लक्स इज अ मिनिमम। मिनिमम तब होगा, तब ज़ीरो होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एंड वेक्टर का एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या मिलेगा हमें? ज़ीरो। थर्ड कंडीशन है, तो एरिया का डायरेक्शन इस तरफ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहाँ भी देखें पर एंटी पैरेलल है। जब एंटी पैरेलल है तो क्या होगा? कॉस 180, कॉस 180 बराबर है माइनस 1 के। तो यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल ई चेंज इन एरिया कॉस 180, तो कॉस 180 बराबर है माइनस 1 के।
तो बेटा यहाँ पे देखें जो cos 180 है वो बराबर माइनस है 1 के बराबर है। तो जब माइनस 1 हम किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मिनिमम मिलेगा, यहाँ पे जो फ्लक्स है मिनिमम मिनिमम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या मिलेगा हमारा, जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब मिलती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एंड वेक्टर का डायरेक्शन जब सेम होगा, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम मिलेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन एंड वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर हो गए तो हमें जो फ्लक्स मिलेगी वो ज़ीरो मिलेगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है एंटी पैरेलल मींस अपोजिट टू ईच अदर हो गए तो जो हमारे फ्लक्स मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा। तो ये जो हमारा जनरल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, इस फार्मूला से हमें क्या फाइंड करना जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज, जहाँ पे मल्टीप्लाई में है एरिया, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड एरिया का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम सी। यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये यूनिट। अब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या है, ये इसका डायमेंशन है। पहले यहाँ पे देखें ये कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैंने पहले है न्यूटन, न्यूटन किसका जो यूनिट है फोर्स का यूनिट एम एल टी इनवर्स स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। उसके आगे है मीटर स्क्वायर, मीटर जो है ना डायमेंशन में एल को शो करता है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एल ये वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल क्यूब डिवाइडेड में है कूलम्ब। द कूलम्ब की सिंबल जो हमने यूज़ किया है डायमेंशन में वो है क्यू, लेकिन क्यू डिवाइड में है, जब ये मल्टीप्लाई में आएगा न्यूमिनेटर में आएगा तो ये इसकी साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे डिवाइड डिनोमिनेटर पे पॉजिटिव था, जब ये न्यूमिनेटर में आया तो यहाँ पे माइनस हो गया। एम एल क्यू टी माइनस टू क्यू इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।